नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर देहात की मंगलपुर पुलिस ने पकड़े दो शातिर चोर, जिन्हें पुलिस ने चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा कर दिया। दरअसल मंगलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत संदलपुर मनकापुर गांव के ग्राम पंचायत भवन से 3 अगस्त की रात को दरवाजे की कुंडी काटकर दो LED व एक इन्वर्टर बैटरा सहित अन्य सामान को पार कर दिया था। इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए SP BBGTS मूर्ति के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और पुलिस ने डेरापुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर निर्तरा गांव निवासी संतोष व योगेश नाम के शातिर चोरों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें तीसरे शातिर चोर भूरा का नाम सामने आया। हालांकि भूरा पुलिस की पकड़ से दूर है, जबकि इन दोनों शातिर चोरों को मंगलपुर पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं डेरापुर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिव ठाकुर ने चोरी की घटना का किया खुलासा। आइए जानते हैं शिव ठाकुर CO डेरापुर ने क्या कहा। कानपुर से कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। दिनांक 4 अगस्त 2023 को ग्राम प्रधान मनकापुर थाना मंगलपुर पर आकर यह सूचना दी कि दिनांक 3/4 की रात्रि में ग्राम पंचायत मनकापुर से कुछ अज्ञात चोरों ने कुछ सामान, जिसमें इन्वर्टर, बैटरा, सोलर पैनल आदि ने चोरी कर लिया। तत्परता दिखाते हुए थाना मंगलपुर पुलिस ने उक्त मामले में अभियोग पंजीकृत कर चोरों की धरपकड़ हेतु टीमों का गठन किया, जिस क्रम में सार्थक प्रयास करते हुए थाना मंगलपुर पुलिस ने प्रकरण में संलिप्त दो चोरों को मौके से पकड़ लिया है तथा एक चोर फरार हो गया है। पकड़े गए दोनों चोरों से ज़्यादातर माल की बरामदगी सुनिश्चित की गई है एवं दोनों को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शेष एक अन्य अभियुक्त की धरपकड़ हेतु टीमें सक्रिय हैं, जल्द ही मामले का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।